नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान देश भर के लोगों के साथ किया था फर्जीवाड़ा। श्रम संसाधन मंत्री कौशल विकास मिशन कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा भागलपुर में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। टीएमबीयू में 1.5 माह में बदल गए 3 प्रॉक्टर, रतन मंडल ने दिया योगदान, कुलपति का जताया आभार। तीसरी बार एपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए मायागंज अस्पताल के वरीय चिकित्सक, बोले नए अनुसंधान से मरीजों को मिलेगा फायदा। और बुनकर संघर्ष समिति ने शहादत दिवस पर सरकार पर साधा निशाना, कहा बिजली बिल माफी के नाम पर हो रही खानापूर्ति। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में सोमवार को चाइनीज ऐप के सहारे दिल्ली में बैठकर छोटा लोन बांटने वाला और बड़ी रकम वसूलने वाला साइबर फ्रॉड हेमंत कुमार झा को तेलंगाना पुलिस ने इशाकचक पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर बताया गया कि इशाकचक निवासी देवनंद झा का पुत्र हेमंत पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में रहकर गुड़गांव के किसी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था और बीते दिनों कोविड-19 की महामारी के कारण वापस अपने घर आया था। मिली जानकारी के अनुसार हेमंत कंपनी में रहकर अपने कुछ साथियों के साथ चीनी ऐप के जरिए ग्राहकों को लोन देकर पैसे की ठगी करता था, जिसके कारण कई लोग इसके झांसे में भी आ गए और पैसे गायब होने पर आर्थिक तंगी से मजबूर होकर खुदकुशी भी कर ली। मामले की सूचना जब तेलंगाना पुलिस को मिली तो SHO एस राकेश के नेतृत्व में जांच टीम भागलपुर पहुंची और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार सरकार के श्रम संसाधन सह पर्यटन मंत्री जीवेश कुमार सोमवार को भागलपुर के क्रिएशन ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। क्रिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री के अलावा भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, रोशन सिंह, रेवंत सर्राफ समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इधर डीएन सिंह रोड स्थित KYP सेंटर में मंत्री का स्वागत संचालिका मेघा झुंझुनवाला, शंभु झुंझुनवाला, उत्तम झुंझुनवाला और युवा भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल नटवर ने किया। इस दौरान मंत्री ने सेंटर में दिए जाने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। संचालक ने मंत्री को बताया कि शहरी क्षेत्र में यह पहला सेंटर है जहां सबसे अधिक युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने के बाद प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जा रही है। मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि छात्र छात्राओं के लिए वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा लेना बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही उन्होंने क्रिएशन ट्रेनिंग सेंटर को मेगा स्किल सेंटर में तब्दील करने पर विचार विमर्श करने की बात कही। इस दौरान मंत्री ने श्रम संसाधन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर को क्रिएशन की तर्ज पर 3 महीने के भीतर भागलपुर में दूसरा सेंटर डेवलप करने का निर्देश दिया। बता दें कि पिछले 4 वर्षों से सेंटर में अत्याधुनिक ढंग से भागलपुर समेत आसपास के जिलों के युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जा रहा है। संदेश तो क्रिएशन ने दिया है लोगों को कि यहां आओगे पढ़ोगे तो हम तुम्हारा भविष्य संभारेंगे और तुम्हारे लिए जॉब की भी व्यवस्था करेंगे। ये भारत सरकार का कार्यक्रम है और बिहार के अंदर हम लोग इसको अच्छे से चला रहे हैं कुशल युवा प्रोग्राम के तहत, स्किल डेवलपमेंट के तहत। और क्रिएशन ने एक नई हाइट को खड़ा किया है। हम आज समीक्षा के तौर पर यहाँ के छात्रों से मिले, यहाँ के व्यवस्थापक से मिले और मुझे लगा एक माइलस्टोन के तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मॉडल इंस्टीट्यूट के रूप में इस क्षेत्र में काम कर सकता है और अपने पदाधिकारियों से भी मैंने आग्रह किया कि आप इसके जैसा अन्य जो संस्था है, अन्य जो हमारे सेंटर है, उसको डेवलप करने का प्रयास करिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए प्रॉक्टर डॉक्टर रतन मंडल बनाए गए। डॉक्टर रतन TNB कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक हैं। बता दें कि डॉक्टर राम सेवक सिंह को विश्वविद्यालय प्रशासन ने मीडिया में बयान देने के कारण पद से हटा दिया था, जिसके बाद माड़वाड़ी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर अवधेश रजक को प्रॉक्टर की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस कुर्सी पर डॉक्टर अवधेश रजक 1 माह भी नहीं टिके। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी को सौंप दिया। इधर TMBU के रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने सोमवार को नए प्रॉक्टर डॉक्टर रतन मंडल के नाम की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं मंगलवार को डॉक्टर रतन ने
पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मी और छात्रों ने उन्हें बुके देकर बधाई दी। गौरतलब हो कि TMBU में लगातार प्रॉक्टर की बहाली और इस्तीफे को लेकर विवाद होता रहा है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रॉक्टर रतन मंडल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालय की संपत्ति को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है। देखिए, प्रॉक्टर का सब विश्वविद्यालय में जितने भी प्रॉक्टर, DSW, रजिस्ट्रार, कॉलेज इंस्पेक्टर, एग्जाम, सबकी अपनी अपनी विभाग है, अपनी अपनी लाइब्रेटरीज है। हमारा काम, प्रॉक्टर का काम है स्टेट को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना। तो स्टेट का हम आज तो ज्वाइन किए हैं, देखते हैं कि स्टेट का क्या स्थिति है, इसके अनुसार उसको उस पर एक्ट किया जाएगा। और लॉ ऑर्डर की बात है तो हम मैक्सिमम चाहेंगे कि छात्रों को भी छात्र हित की बात जो हो कुलपति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उसको सोल्यूशन किया जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह को अखिल भारतीय फिजिशियन संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगातार तीसरी बार चुना गया है। वहीं डॉक्टर DP सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुने जाने की घोषणा API अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश तिवारी ने की। वर्तमान में डॉक्टर सिंह भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। बता दें कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DP सिंह अब 3 वर्ष तक API में रहेंगे। वहीं सिल्क TV से बातचीत कर डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान से वह हमेशा सभी की मदद करते रहेंगे। साथ ही बताया कि मरीजों का भला हो इसके लिए वह जल्द ही प्रदेश स्तर पर हार्ट चेकअप कैंप लगाने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से API मेडिसिन के क्षेत्र में दक्ष लोगों का एक समूह है, करीब करीब 20,000 लोग हैं हम लोग। और इस API संघ का उद्देश्य ही है कि जो नित नए अनुसंधान हो रहे हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, डायग्नोसिस के क्षेत्र में, नई दवाइयां, नए उपचार जो हो रहे हैं, उससे हमारे फिजिशियन लोग अवगत हों और ताकि जो है उसका लाभ वो मरीजों तक दे सके। तो इस नए सत्र में, नए आगे आने वाले 3 साल में मेरा यह उद्देश्य होगा कि नित जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नित जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं, उसका जो है हम लोग कितना अधिक अधिक जो है रोगियों तक इसका फायदा दें। नाथनगर चंपा नदी पुल के समीप नीलकोठी मैदान में आज बुनकर संघर्ष समिति द्वारा शहीद मोहम्मद जहांगीर अंसारी, शशि कुमार और गंगा प्रसाद की याद में 34वां शहादत दिवस को लेकर विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा की अध्यक्षता बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेजहात अंसारी द्वारा किया गया। वहीं बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इस मंच के माध्यम से वह बुनकरों की मांगों को सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं। वहीं 19 जनवरी 1987 से लेकर आज तक बुनकर अपनी विभिन्न समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बुनकर दिन रात मेहनत कर अपनी कारीगरी से देशों व विदेशों में सिल्क नगरी का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकार सिर्फ संतावना का चोला पहनाकर सौतेला व्यवहार करती आई है। वहीं भागलपुर नगर निगम की महापौर सीमा शाह व उप महापौर राजेश वर्मा ने भी शहीदों को नमन किया। जियाउल रहमान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुनकरों की बकाया बिजली बिल माफ करने की बात तो कही, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा, मोहम्मद जाहिद अंसारी, हैदर अंसारी, राजद नेता पप्पू यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मैदान में मौजूद थे। हम अपने अधिकार की लड़ाई का ये मजलिस लगाए हुए हैं। ये मजलिस 1987 में भी लगा था, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान, उस वक्त के अफसर हमारे समस्याओं का निदान नहीं किया, हमें गोली मारा दिया। उसी की याद आज हम मनाते हुए आ रहे हैं, ये 34वां शहादत दिवस मना रहे हैं। लेकिन मसला हमारा जू का तू अभी तक वैसे पड़ा हुआ है। सिर्फ हुकूमत बदल जाती है, यानी कफन बदल जाता, मुर्दा वही रह जाता है। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से मंगलवार को किसान आंदोलन के समर्थन में स्टेशन चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रवेश जमाल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राकेश शाह समेत कई नेताओं ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इसे काला कानून करार दिया।
साथ ही कहा कि ठंड के मौसम में किसान अपनी मांग को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि दी। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में किसानों के समर्थन में जो किसान लगातार दिल्ली में 56 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, उसके समर्थन में आज जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो तीनों काला कानून है वो सरकार अविलंब उसको वापस ले। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में खलीफाबाग चौक के समीप मंगलवार को पारिवारिक विवाद में ससुराल वालों ने एक महिला की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पीड़ित श्वेता सिंघानिया ने मामले को लेकर बताया कि वो अपने पति के साथ कोलकाता में रहती है और वह अपने मायके नया बाजार आई थी। मंगलवार को जब वह अपना कुछ सामान लेने अपने ससुराल पहुंची तो उसके जेठ विनय सिंघानिया, निक्की सिंघानिया और लक्ष्मी देवी सिंघानिया ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल छीनकर उसे कमरे में बंद कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़वा कर पीड़ित महिला को बाहर निकाला। श्वेता सिंघानिया ने कहा कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से उसको मारा गया, जिससे उनका कोई लेना देना भी नहीं है। अपने साथ हुए जाति को लेकर महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसका फोन और चैन उससे छीन लिया गया। अपने रूम में अपना सामान लेने के लिए आई, मेरा ऊपर रूम में ताला बंद था, ताला खोल के मैं जैसे अंदर घुसने लग गई, निक्की सिंघानिया, लक्ष्मी देवी सिंघानिया और प्रीना कुमार सिंघानिया, तीन दो चैन और एक लेडी मिल के मेरे को बाल बाल खींच के नीचे देके धक्का गिरा दी, धक्का देके गिरा दी और मार लात लात से निक्की सिंघानिया मारा, मोलेस्ट भी किया निक्की सिंघानिया मेरे को। किस लिए मारा आपको? मत आओ अंदर, भागो यहाँ से। वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब छात्र छात्राओं के अलावा कर्मियों और पेंशनरों की समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत निराकरण कोषांग का पुनर्गठन किया है। वहीं रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार शिकायत निराकरण कोषांग के अध्यक्ष प्रतिकुलपति होंगे। कोषांग में वित्त परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, सीनेट सदस्य मोहम्मद मुजफ्फर अहमद समेत विश्वविद्यालय से जुड़े कई लोगों को शामिल किया गया है। वहीं सीनेट सदस्य मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ने बताया कि शिकायत निराकरण कोषांग का गठन कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी के निर्देश पर किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायत या कार्यों का निष्पादन ससमय नहीं होने पर इसकी जाँच होगी और जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई के लिए कुलपति को लिखा जाएगा। अब किसी की भी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है। जमीन के मालिक को उसकी जमीन का एक एक टुकड़ा मिलेगा और बकायदा उसका रिकॉर्ड सरकार के पास दर्ज होगा। यह सुनने में आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन हकीकत में तो यह एक जुमला ही साबित हुआ है। दरअसल भागलपुर शिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जिजा हुसैन अतिक्रमण की शिकायत पर बरारी स्थित इशरत हुसैन वक्फ की संपत्ति का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं सचिव सहित कमेटी के सदस्य शाहिद हुसैन, मुतवली कमरुज्जमा हसन इमाम और इम्तियाज अली ने वक्फ की संपत्ति को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी है। जिला औकाफ कमेटी के सचिव सैयद जिजा हुसैन ने बताया कि सरकारी गजट और बिहार शिया वक्फ बोर्ड के नियम के अनुसार कब्रिस्तान समेत किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करना कानूनन जुर्म है। सचिव ने कहा कि 150 वर्ष पुराने करबला मैदान, इमामबाड़ा, दरगाह, महिला कब्रिस्तान और इमाम चौक को कब्जा मुक्त कराने के लिए बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास और सीईओ को पत्र भेजा जा रहा है।
जल्द ही जिला प्रशासन से भी इसकी लिखित शिकायत की जाएगी। इशरत हुसैन वक्फ स्टेट है जो बरारी स्थित है, जहाँ की इमामबाड़ा, करबला, कब्रिस्तान के अलावा दरगाह है, वहाँ पर सूचना मिली कि अतिक्रमण किया जा रहा है। हम लोगों ने पाया कि कब्रिस्तान जहाँ की चार दीवारी नहीं है, वहाँ लोगों ने कुछ दुकानें बना दी हैं। उसके अलावा वहाँ पर बीबी का दरगाह है और इमाम चौक है, वहाँ पर भी दरगाह में भी अतिक्रमण हो रहा है। इसकी सूचना हम लोगों ने पटना में बिहार राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड के प्रशासन पदाधिकारी को श्री आरिफ रजा साहब को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करेगी और भागलपुर प्रशासन को इसकी सूचना देगी और उनसे मदद लेगी। नवगछिया के जीरो माइल में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के चक्का जाम का असर चौथे दिन भी देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे ट्रक मालिकों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच वार्ता तो हुई, लेकिन मांग पर सहमति नहीं बन पाने के कारण वार्ता विफल रही। वहीं मौके पर पहुंचे नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार, डीटीओ फिरोज अख्तर और एमबीआई अनिल कुमार ने ट्रक मालिकों से चक्का जाम हटाने का अनुरोध किया, लेकिन ट्रक मालिक अपने मांगों पर अडिग रहे। विक्रमशिला सेतु जाम जोन का संचालन कर रहे बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के भागलपुर जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह और भागलपुर जाम जोन के प्रभारी खगड़िया जिलाध्यक्ष शिवराज यादव के नेतृत्व में डेरा डालो कार्यक्रम जारी रहा, जिसके कारण बड़ी संख्या में ट्रकों का काफिला सड़क के किनारे खड़ा है। दीप नारायण सिंह दीपक ने कहा कि जाम से सरकार और जनता को अरबों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है। वहीं ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मुलाकात की, जहां एसोसिएशन की ओर से नए कानून में लाए गए प्रावधान को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही कहा कि जल्द ही सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में आंदोलन तेज किया जाएगा। कार के काले कानून के खिलाफ बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के नेतृत्व में आज भागलपुर में 13 जिला के ट्रक मालिकों के साथ चक्का जाम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार, ये बाहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि भाई आप समय दीजिए, सरकार के पास आपकी मांग को हम लोग अपने स्तर से भेजते हैं, आप समय दें। पूरे जिला त्रस्त हो गया है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर में लाइन लगी हुई है जाम के कारण, आप लोग समय दें, अगर नहीं होगी तो फिर हम आगे आपसे वार्ता करेंगे। इसी को लेकर अभी जिला प्रशासन के पास हम लोग आए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर नाथनगर सुभाष चौक पर अखिल भारतीय महिला किसान दिवस मनाया गया। वहीं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति भागलपुर शाखा की जिला सचिव नीलम देवी के नेतृत्व में नाथनगर के सुभाष चौक पर किसान विरोधी कानून रद्द करने और कॉन्ट्रैक्ट खेती के विरोध करते हुए किसानों की समस्याओं को सुलझाने की मांग की गई। साथ ही सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। ये जो हमारे किसान भाई जो दिल्ली में बैठे हैं बॉर्डर पे, और इनकी मांगों को सरकार नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी यह जो नरेंद्र मोदी सरकार है यह हाउस में नहीं आ रहा है और किसानों की मांग को नहीं मान रहा है। भागलपुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर में मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है, जहां एक और कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में आम मरीजों के लिए ओपीडी खोल दिया गया है। वहीं कोविड वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर भी अस्पताल में चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्यकर्मी मुस्तैद दिखाई दिए। सदर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ए के मंडल ने लोगों को वैक्सीन लेने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन के कर्मियों को कोविड वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन काफी जागरूक किए जाने के बाद भी जिले में कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर लक्ष्य के अनुसार लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर हालत और भी बुरी है, जहां सुविधा होने के बावजूद लोग भय और संशय के कारण वैक्सीन लेने नहीं पहुंच रहे हैं। जगदीशपुर में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की ओर से जगदीशपुर महिला कोषांग की 15वीं वर्षगांठ मंगलवार को मनाई गई। कार्यक्रम में धौरैया विधायक भूदेव चौधरी, भागलपुर के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर निशार अहमद शाह, जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार समेत कई अतिथियों ने महिला कोषांग की टीम को वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान सभी ग्राम रक्षा दल ने ड्यूटी के लिए लाठी, टॉर्च और वर्दी के अलावा दैनिक भत्ता देने की मांग की। साथ ही कहा कि होली, दशहरा, छठ, मुहर्रम समेत कई त्योहारों में जो ड्यूटी मिलती है वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार और जिला प्रशासन हम पर कोई ध्यान नहीं देती है।
मौके पर काफी संख्या में ग्राम रक्षा दल के प्रहरी समेत कई लोग मौजूद थे। पीरपैंती प्रखंड के किसानों की परेशानियों को देखते हुए खाद्य विक्रेता मेसर्स राम ट्रेडिंग ने अपनी नई शाखा का शुभारंभ मानिकपुर पीरपैंती बाजार में किया। जिला कृषि पदाधिकारी से लाइसेंस प्राप्त होने के बाद सोमवार से सभी किसानों को सरकारी दर पर यूरिया उपलब्ध करवाया जा रहा है। बता दें कि शेरमारी स्थित उल्टा पुल टूटने से दियारा समेत क्षेत्र में कई जगहों पर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान देश भर के लोगों के साथ किया था फर्जीवाड़ा। श्रम संसाधन मंत्री कौशल विकास मिशन कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा भागलपुर में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। टीएमबीयू में डेढ़ माह में बदल गए 3 प्रॉक्टर, रतन मंडल ने दिया योगदान, कुलपति का जताया आभार। तीसरी बार एपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए मायागंज अस्पताल के वरीय चिकित्सक, बोले नए अनुसंधान से मरीजों को मिलेगा फायदा। और बुनकर संघर्ष समिति ने शहादत दिवस पर सरकार पर साधा निशाना, कहा बिजली बिल माफी के नाम पर हो रही खानापूर्ति। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।